हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आशीष मोड़ो में। आज हम बात करने वाले हैं टाटा नेक्सॉन फेसलिफ्ट के बारे में, जिसमें आपको 5 स्टार की सेफ्टी के साथ साथ सबसे बेसमेंट से आपको 6 एयरबैग देखने को मिल जाएंगे। एंड अभी आपके सामने सबसे बेस स्मार्ट वेरिएंट खड़ा है। इसके अंदर आते हैं कई सारे वेरिएंट्स, जैसे कि स्मार्ट, प्योर, क्रिएटिव और फियरलेस। एंड ये स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट है, जहां पे आपको सनरूफ भी देखने को मिल जाएगी। अगर इसके स्टार्टिंग प्राइस की बात की जाए तो 8,10,000 एक्स शोरूम से इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है और टॉप जाता है 15,50,000 एक्स शोरूम तक। आज इसी के बारे में हम कंप्लीट डिटेल में बात करने वाले हैं, इसके एक्सटीरियर से लेकर इंटीरियर तक, इंजन, फीचर्स, देन प्राइस के बारे में। तो टाटा नेक्सॉन में आपको मैनुअल के अलावा ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन देखने को मिल जाएगा। इंजन आपको मिलते हैं यहाँ पे 2 तरह के, 1.2 लीटर का पेट्रोल, जिसके अंदर आपको 120 bhp और 170 nm का टॉर्क मिलता है। आप इसमें डीजल भी ले सकते हैं, लेकिन वो आपको ऊपर के वेट्स में देखने को मिल जाएगा। अगर की बात की जाए तो ऐसी कुछ आपको रिमोट की मिलेगी सबसे बेस रेंट में, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको लॉक, अनलॉक, फॉलो मी, हेडलैम्प्स के बटन देखने को मिल जाते हैं। एंड यहाँ पे आपको फ्लिप की मिलती है, पीछे आपको टाटा की ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी। जो दूसरी वाली की है वो आपको मिलती है नॉर्मल सी, उसमें कोई बटन आपको देखने को नहीं मिलते हैं। एंड 5 स्टार की सेफ्टी तो है ही, इसके अलावा 6 एयरबैग, बाकी अंदर आपको 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। मतलब फीचर्स की कोई भी कमी नहीं है इस टाटा नेक्सॉन के अंदर। अब चलिए बात करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल से। तो यहाँ पे देख लीजिए टाटा की ब्रांडिंग, टाटा का लोगो देखने को मिलता है। इसके ऊपर के वेरिएंट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिल जाते हैं टाटा नेक्सॉन के अंदर। ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इसकी पूरी ग्रिल है। अगर इसके DRL की बात की जाए तो भी मैं जला के दिखाता हूँ, तो ऐसे कुछ आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट इसी के अंदर देखने को मिल जाती है। नीचे आपको यहाँ पे हेडलैम्प जो दिए जा रहे हैं ये LED हैं, रिफ्लेक्टेड बेस। लेकिन आप अगर ऊपर के वेरिएंट्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हेडलैम्प ऑफर किए जाएंगे। फॉग लैम्प्स भी आपको मिलते हैं, लेकिन वो आपको मिलेंगे टॉप वेरिएंट के अंदर। जब आप सामने बैठ के देखते हैं तो ऐसा कुछ आपको पूरा फ्रंट फेसिया नज़र आने वाला है। एंड इसमें फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं अगर आप टॉप वेरिएंट लेते हैं तो। नीचे जो गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस है 208 mm का है। यहाँ पे पूरा मैट ब्लैक में इस बॉडी कलर पूरा बम्पर देखने को मिल जाएगा। साइड में आपको टोइंग का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है। यहाँ पे देखेंगे काफ़ी बढ़िया फ्लैट इसका बोनट देखने को मिलेगा। यहाँ पे डुअल वाइपर विद वॉशर का सेटअप है। एंड स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट है तो यहाँ पे आपको सनरूफ भी दी जा रही, पीछे शार्क पिन एंटीना है। यहाँ पे आपको रूफ रेस देखने को मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं इसके साइड प्रोफाइल की तरफ, तो साइड से देख लीजिए। यहाँ पे सिर्फ क्या करना है आपको, लगवाने व्हील कवर्स, और काफ़ी बढ़िया आपको दिखने वाली है साइड प्रोफाइल से भी। यहाँ पे आपको 16 इंच के व्हील्स मिलते हैं एंड ये स्टील भी रहेंगे। और टायर सेक्शन दिखाऊं तो देख लीजिए 195/60 R16 का पूरा टायर सेक्शन देखने को मिल जाता है, टाटा की ब्रांडिंग है। और इतना कुछ आपको मिल जाता है सस्पेंशन का ट्रेवल। अगर आप टॉप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डायमंड का ट्रेवल देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे पूरे में क्लैडिंग वगैरह दी जा रही है। डायमेंशन की बात की जाए तो 3995 mm लेंथ है, 1804 mm इसकी विड्थ है और 1620 mm आपको हाइट देखने को मिल जाएगी। अगर गाड़ी की व्हील बेस की बात की जाए तो 2498 mm का है, स्पेस आपको काफ़ी बढ़िया सा मिलेगा। यहाँ पे डोर्स पे पूरे में आपको क्लैडिंग वगैरह देखने को मिल जाती है। मिरर्स की बात की जाए तो बेसमेंट में भी आपको ऐसे कुछ ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में मिल रहे हैं। एंड ये हैरियर सफारी वाले हैं, बड़े साइज़ में चेंज हो चुके हैं फेसलिफ्ट के अंदर। यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट देखने को मिल जाती है। अगर इसके एडजस्टमेंट की बात की जाए तो गाड़ी को अनलॉक कर लेते हैं पहले, तो यहाँ पे आप देखेंगे आपको ये बटन सा मिलेगा इसको इलेक्ट्रिक एडजस्ट करने के लिए। गाड़ी के अंदर बैठ के आराम से आप इसको एडजस्ट कर पाओगे, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ये इसके मैट ब्लैक में इसमें डोर हैंडल्स हैं। बी पिलर आपको मिलेगा बॉडी कलर्ड। रूफ में आपको दिखाई चुका हूँ, यहाँ पे आपको रूफ रेस, सनरूफ और पीछे मिलता है आपको शार्क फिन एंटीना, जो कि ब्लैक कलर के यहाँ पे दिया जा रहा है। रियर में ड्रम और फ्रंट इसमें आपको डिस्क ब्रेक ऑफर की जाएंगी। अब आ जाते हैं इसके रियर प्रोफाइल की तरफ, तो रियर से भी देख लीजिए। फेसलिफ्ट आने के बाद इसका रियर प्रोफाइल पूरी तरह से चेंज हो चुका है, देखने में पहले से काफ़ी बेहतर लग रहा है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे वाइपर की प्लेसमेंट नहीं है। यहाँ पे जो ऊपर के वेरिएंट्स में जाएंगे तो वाइपर आपको यहाँ पे हिडन देखने को मिलता है। ये इसका स्पॉइलर है, ऊपर मैं आपको बता ही चुका हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे डिफॉकर नहीं मिलने वाला, जाहिर सी बात है सबसे बेस वेरिएंट है। कनेक्टिंग टेल लैंप्स आपको ऑफर किए जाते हैं, इनको जला के देखते हैं तो ऐसे कुछ आपको मिलेंगे। अभी सिर्फ यही जल रहे हैं बेस वेरिएंट में। अगर आप ऊपर के वेरिएंट्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ये पूरे हुए जलते हुए मिल जाते हैं। यहाँ पे टाटा की ब्रांडिंग है, कोई कैमरा नहीं मिलने वाला जाहिर सी बात है। यहाँ पे आपको नेक्सॉन की बैजिंग देखने को मिल जाती है। 2 रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आपको मिलेंगे। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर्स, रिवर्स लाइट की प्लेसमेंट। और नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे एग्जॉस्ट टेल पाइप है। नीचे का पूरा सस्पेंशन सेटअप आप देख लीजिए। और यहाँ से डलवाएंगे आप पेट्रोल, 44 लीटर की आपको फिल्टरिंग कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। अब चलिए इसका बूट ओपन करते हैं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे कोई बटन नहीं दिया गया इसके बेस वेरिएंट में, वो आपको मिलता है फ्रंट कैबिन के अंदर। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ सेंटर कंसोल में आपको एक बटन देखने को मिल जाएगा। इसके इससे आप जो है अपने बूट को खोल पाएंगे। जैसे आप प्रेस करेंगे तो बूट अनलॉक हो जाता है, और यहाँ से इसको ओपन करेंगे आप। अगर स्पेस की बात की जाए तो टाटा नेक्सॉन में पहले आपको मिलता था 350 लीटर का बूट स्पेस, अब मिलेगा 382 लीटर का। कोई पार्सल ट्रे नहीं है, यहाँ पे हुक वगैरह आप देखने को मिल जाएंगे। आप बाद में इसमें पार्सल ट्रे लगवा सकते हैं, उसके लिए आपको यहाँ पे जगह वगैरह दी गई है।
और यहाँ पे आपको ये लीवर से मिलेंगे जिनके थ्रू आप अपनी सीट को फोल्ड कर पाएंगे। 100% फोल्डेबल सीट्स हैं और यहाँ पे देख लीजिए दो दो हेडरेस्ट जो कि एडजस्टेबल हैं, फैब्रिक की सीट्स रहेंगी, आप इसमें बाद में सीट कवर लगवा सकते हैं। फ्रंट डैशबोर्ड का व्यू देख लीजिए, ऐसा कुछ आपको यहाँ पे दिखने वाला है। अगर नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मिलता है स्पेयर व्हील, यहाँ पे पूरा आपको टूल किट वगैरह सब कुछ मिलेगी। और अगर इसके साइज़ की बात की जाए तो ये 16 इंच का ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब चलिए इसके बूट को कर देते हैं बंद और चलते हैं इसके रियर सीट्स की तरफ। रियर सीटिंग कम्फर्ट, लेग रूम, हेड रूम पूरा बैठ के अच्छे से देखते हैं। तो ये हो गए इसके डोर हैंडल्स। अगर डोर ट्रिम की बात की जाए तो ऐसा कुछ आपको पूरा ब्लैक फिनिश में मिलता है। यहाँ पे ये इसका डोर ओपनर है, ये इसका ग्रैब हैंडल जो कि आपको नॉर्मल सा मिलता है। यहाँ पे ऊपर के बेड्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाएगा, पावर के कंट्रोल्स। नीचे स्पीकर की प्लेसमेंट है, यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर देखने को मिल जाता है। रियर कैबिन में इतना कुछ लेग रूम, हेड रूम है जैसा कि आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये हेडरेस्ट जो कि एडजस्टेबल रहेंगे, फैब्रिक सीट्स हैं, आप इसमें सीट कवर लगवा सकते हैं बाद में। अब चलिए अंदर बैठ देखते हैं। तो अंदर बैठने के बाद इतना कुछ आपको लेग रूम, मतलब नी रूम, लेग रूम और अंडर थाई सपोर्ट देख लीजिए, काफ़ी बढ़िया है। और इसकी जो सीट्स हैं काफ़ी कंफर्टेबल हैं, कुशनिंग काफ़ी अच्छे सी है। सेंटर में आपको ये कुछ स्पेस यहाँ पे मिलेगी, कोई चार्जिंग पोर्ट नहीं दिया जा रहा है। और ये अंदर का पूरा इंटीरियर हो गया, यहाँ पे ग्रैब हैंडल, कोट हुक, दो दो हेडरेस्ट जिनको आप एडजस्ट कर पाओगे, सेंटर में कोई आर्मरेस्ट नहीं है। फ्रंट डैशबोर्ड की बात की जाए तो बेस वेंट के हिसाब से काफ़ी बढ़िया फ्रंट डैशबोर्ड आपको मिल रहा है भाई। यहाँ पे आपको 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम भी मिल जाता है। यहाँ पे देख रहे हैं ना स्टीयरिंग, इसमें आपको इल्यूमिनेटेड लोगो मिलेगा एंड मैनुअल एसी के कंट्रोल्स। और अभी आप देख रहे हैं इसके मैनुअल ट्रांसमिशन को, अगर आपको ऑटोमेटिक लेना है तो उसके लिए आपको जाना पड़ेगा इसके क्रिएटिव वेरियंट की तरफ। ये हो गया फ्रंट डैशबोर्ड। अब चलते हैं इसके फ्रंट ड्राइवर सीट पर, वहाँ पर इग्निशन को ऑन करके सारी चीज़ें कवर करते हैं। तो ये रहे इसके डोर हैंडल्स। अगर बात की जाए डोर ट्रिम की तो ऐसा कुछ आपको सेम पूरा ब्लैक फिनिश में देखने को मिल जाएगा। ये डोर ओपनर है, वायरिंग के कंट्रोल, नीचे आपको स्पीकर की प्लेसमेंट, यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर, बोटल होल्डर सब कुछ दिया जा रहा है। पावर विंडो के सारे कंट्रोल्स आपको मिलेंगे यहाँ पे। फ्रंट कैबिन में देखेंगे इतना कुछ आपको स्पेस मिल जाता है। फैब्रिक की सीट्स हैं काफ़ी बड़े कंफर्टेबल, आगे वाले जो हेडरेस्ट हैं उनको भी आप एडजस्ट कर पाओगे और यहाँ से रिक्लाइन कर सकते हैं। हाइट एडजस्टमेंट आपको नहीं दिया जा रहा है। नीचे आप देखेंगे फिल कैप ओपनर है, मैनुअल एबीसी पेडल्स, यहाँ से आप अपना बोनट ओपन कर पाओगे, यहाँ पे कुछ स्पेस। और ये रहे इसके एसी के वेंट्स, यहाँ पे आपको काफ़ी बढ़िया ये फिनिश देखने को मिल जाती है। अब चलिए बैठते हैं अंदर और अंदर से बैठ के सारे फीचर्स कवर करते हैं। तो स्मार्ट प्लस एस वेरियंट का ऐसा कुछ दिखता है फ्रंट डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको 7 इंच का टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिल जाएगा। अब चलिए गाड़ी का इग्निशन ऑन करते हैं। तो यहाँ पे ऐसी कुछ आपको मिलेगी फ्लिप की, जिसको हम लगाएंगे यहाँ पे, और इग्निशन ऑन करते ही ऐसा कुछ आपको फुली डिजिटल क्लस्टर देखने को मिल जाता है। इधर आपको मिलेगा आरपीएम मीटर, इधर आपको ऊपर इंजन टेम्परेचर, फ्यूल गेज, बीच में आपको एमआईडी दी जा रही है जिसके अंदर आपको स्पीडोमीटर दिया जा रहा है, और इसी के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। यहाँ पे डोर ओपन है उसकी इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है, यहाँ से आप ट्रिप ए, ट्रिप बी, ऑडोमीटर, एवरेज वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं। यहाँ पे 3 तरह के आपको मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा रहा है। ये अभी सिटी पे लगी हुई है, बाकी यहाँ पे देख लीजिए काफ़ी अच्छा सा लग रहा है देखने में। टॉप में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिजिटल क्लस्टर देखने को मिलता है थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का। एंड इस वाले लीवर से आप ऊपर अपने टाइम वगैरह को सेट कर पाओगे। ये तो हो गई क्लस्टर की बात, अब बात करते हैं हम इसके स्टीयरिंग की, जो आपको 2 स्पोक मिलता है और देखने में काफ़ी प्यारा लग रहा है। बिकॉज यहाँ पर आपको जो ये टाटा का लोगो है ना, ये इल्यूमिनेटेड दिया जाता है। अभी मैं ऑफ़ करके फिर से ऑन करता हूँ। तो जैसे आप ऑफ करेंगे तो ये देख लीजिए, ऐसा जैसे आप ऑन करते हैं यहाँ पे आपको टाटा का लोगो देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको मल्टीमीडिया और कॉल के सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पे आपको रेन सेंसिंग वाइपर्स मिलते हैं, उसका आपको लीवर यहाँ पे मिलेगा। हेडलैम्प्स के सारे कंट्रोल आपको मिलेंगे यहाँ पे। अगर एडजस्टमेंट की बात की जाए तो नीचे आपको मिलता है लीवर जिसके थ्रू आप अपने स्टीयरिंग को टिल्ट ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। टेलीस्कोपिक का कोई ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा। ये तो होगी स्टीयरिंग के बाद, अब बात कर लेते हैं गाड़ी के सेंटर कंसोल की। तो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है 7 इंच का टच इंफोटेनमेंट सिस्टम जो पहले आता था, लेकिन आप ऊपर के बेड्स में जाएंगे तो वहाँ पे आपको काफ़ी बड़ी डिस्प्ले देखने को मिलती है 10.25 इंच की। एंड इसके अंदर देखेंगे तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, ब्लूटूथ सब कुछ मिलेगा, और रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं आता है, वो आप बाहर में लगवा सकते हैं अगर ये जैसे दबाएंगे ना। इसमें जो सेंसर्स मिल रहे हैं उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दिखा रहा है। तो यूज़र इंटरफेस काफ़ी अच्छा है, साउंड आउटपुट काफ़ी बढ़िया आपको मिलता है। और ये तो गई टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम के बाद, नीचे आपको एसी के वेंट्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और ये रहे मैनुअल एसी के सारे कंट्रोल्स। और यहाँ की बात की जाए तो ये हैजार्ड का स्विच है, बगल में आपको बूट खोलने का बटन, नीचे 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट आपको मिलता है, यूएसबी पोर्ट है। यहाँ पर देख लीजिए ऐसी कुछ आपको पूरी फिनिश, यहाँ पर फ्रंट डैशबोर्ड में ऐसा कुछ आपको टेक्स्चर देखने को मिल जाएगा। 6 एयरबैग आपको दिए गए, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, कर्टन एयरबैग्स सीट्स में, फ्रंट में। और ये रहा इसका
5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, आप इसको ऑटोमेटिक में भी ले सकते हैं लेकिन वो आपको बेस वेरिएंट में देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आपको इको, सिटी एंड स्पोर्ट्स तीन तरह के आपको ड्राइविंग मोड्स मिल जाएंगे। मैनुअल हैंड ब्रेक है यहाँ पे, दो कप होल्डर, यहाँ पे अच्छा खासा स्पेस। अब बात की जाए इसके ग्लव बॉक्स की, तो यहाँ पे भी आपको बढ़िया सा स्पेस दिया जा रहा है। दो कप होल्डर है, मोबाइल होल्डर, और देख लीजिए अंदर कितना डीप है। विजिबिलिटी उसके क्या ही कहने, टाटा नेक्सॉन में आप बम्पर टू बम्पर इसको ड्राइव कर पाएंगे। यहाँ पे आपको नॉर्मल सा आई रिम दिया जा रहा है, यहाँ पे कोई मिरर नहीं मिलने वाला सनवाइजर में। अगर को ड्राइवर सेट की बात की जाए तो यहाँ पे ज़रूर देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपको लाइट के सारे कंट्रोल्स मिलेंगे, और ये स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट है, एस लगा है तो मतलब आपको सनरूफ भी मिलेगी। तो आप कम बजट में बेस वेरिएंट में सनरूफ चाहते हैं तो आप ये वाला वेरिएंट ले सकते हैं। अब चलिए इसको क्लोज कर देते हैं, ये तो हो गई पूरे इंटीरियर की बात। अब चलिए गाड़ी को ऑफ करते हैं, बात करते हैं इसके सेफ्टी फीचर्स और प्राइसिंग की। तो इसमें आपको ABS विद EBD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक्स, चाइल्ड सेफ्टी लॉक्स, इंजन इमोबिलाइजर, क्रैश सेंसर, और यहाँ पे आपको मिलते हैं 6 एयरबैग। प्राइसिंग की बात की जाए तो 9,70,000 एक्स शोरूम और लगभग 11,00,000 रुपए की आपको ये ऑन रोड लखनऊ पड़ने वाली है। तो ये थी टाटा नेक्सॉन स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट, कैसा लगा आपको नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देगा, एंड स्पेशल थैंक्स टू SRM मोटर्स कानपुर लखनऊ जिन्होंने मुझे कवर करने का मौका दिया। तो डील एनी टाटा कार्स, विजिट दिस शोरूम। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देगा, चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। मिलते एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।